हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इविनिटी टैरोस एक्सपर्ट रूल ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे है सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जिंदगी में ऑफकोर्स ऑब्वियसली क्या आने वाला है आफ्टर द फुल मून ऑन 23 अप्रैल 2024, जो है पिंक मून। ऑल्दो पिंक मून जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है कि कोई ऐसा समझे कि पिंक हो जाएगा मून। नो, पिंक मून इसलिए कहते हैं बिकॉज उस दौरान एक जैसे जंगल में कुछ ऐसे पौधे होते ही है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस दौरान, और वो पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, पिंक मॉस। So that's why the name is attributed as the pink full moon, and definitely इस बार जो जिस साइन पर है वो है फुल मून इन स्कॉर्पियो। काफ़ी सुंदर दिखने वाला है ये मून, एंड ऑफकोर्स आपकी ज़िंदगी में तो बहुत बढ़िया होके रहेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल जो डे साइंस, एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी। सो आपके लाइफ में क्या बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स आने वाले हैं वो हम देखेंगे। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है आफ्टर द पिंक फुल मून ऑन 23 अप्रैल 2024। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा साइंस दिखाई दे रहे हैं, कुछ सिंबल्स ऑफ सर्टेन लैंग्वेज, एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत सारे लैंग्वेजेस का प्रति, ठीक है, और सीखने की जो है वो आपको और बढ़ जाए। एंड हो सकता है कि आप जिस जगह पे नौकरी लेंगे आने वाले समय में, हो सकता है कि वहाँ का जो लोकल नेटिव लैंग्वेज है वो आपको सीखना ही पड़ेगा, बिकॉज़ वहाँ के लोग वैसे ही बोलेंगे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज हो, चाहे कहीं पे भी हो। मे बी यू वांट टू सेटल अब्रॉड एंड यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज, उस तरह से भी दिख रहा है। मे बी यू विल जॉइन अ कोचिंग सेंटर और अ लैंग्वेज ओपनिंग, यू कैन से लेट। मे बी आप ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी जानते हैं, यू आर ऑलरेडी स्किल्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड मे बी यू विल ओपन अ कोचिंग सेंटर और क्लासेस, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे V4 2 IH समथिंग इज बीइंग पॉइंटेड आउट हियर। तो हो सकता है कि कुछ जैसे होता है ना कि एग्जाम से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है, इम्पॉर्टेंट टाइटल्स सब टाइटल्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, व्हाइल यू आर लाइक यू नो यू विल बी ना दिस वन इन दैट लेवल, कि आप कौन कौन सा पेंडिंग टास्क है, किस चीज़ का अप्रूवल आपको मिल चुका है, किस चीज़ का अप्रूवल मिलना बाकी है, वो सारे काम के ऊपर आपका फोकस सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, कोई भी पेंडिंग काम नहीं रहेगा। यहाँ पर देखो बार बार शेप आ रहा है 4 का, और अगर हम इसको कंप्लीट कर ले हैं तो ये एक फूल की भी, यहाँ पे अगर हम रिवर्स पोजीशन पे देखें तो ये एक फूल भी बन रहा है। सो ब्लॉसमिंग एबंडेंस इज डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ, जहाँ पे आपको महसूस ज़रूर होगा कि अच्छा, मेरे लाइफ में तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, और आपको अधिक से अधिक जो है ना नींद भी आएगी, कम्फर्टेबल आपका स्लीप भी होगा। ऐसा नहीं कि आप सो नहीं पाएंगे और रात में जागते रहेंगे, ऐसा नहीं है। यू विल हैव अ वेरी कम्फर्टेबल स्लीप। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके साथ किसी का इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाए, और उसके साथ आपका दिल खोल के आप बात करेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। मे बी यू डेवलप अ फ्रेंडशिप विद समवन और सीरियस रिलेशनशिप विद समवन। यहाँ पे एक एम्प्रेस कार्ड की भी यहाँ पे नज़र में आ रहा है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी मेनी ऑफ यू इफ़ यू आर वॉचिंग, इफ यू आर फीमेल, तो कुछ लोगों के लिए यू मे बी लाइक कंसीविंग, एंड हो सकता है कि गुड न्यूज़ भी आ जाए, और बेहद परिवार में काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेशन भी हो,
हो सकता है कि वंश का पहले बच्चा है, इस तरह से भी हो सकता है। आई कुड सी अस्वान ऑल्सो, अस्वान इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द प्योरिटी, ट्रूथ एंड डिवोशन। यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशनशिप ज़रूर आ सकता है आपके लिए, जहाँ पे आपको महसूस होगा कि ये रिलेशनशिप जो है ये मेरे लिए 100% जीवन भर रहेगा और मुझे यहाँ पे कोई दिक्कतें होगी नहीं। कुछ लोगों के लिए अगर आपके फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बट मुझे यहाँ पे मेल में दिखाई दे रहा है, सो हो सकता है कि कोई डॉक्टर के कंसल्टेशन की वजह से वो सही हो जाए। एंड जो भी आपको तकलीफें हो रहा था, इट्स नॉट ओनली अबाउट द फर्टिलिटी बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर स्टेमिना, बट इट्स ऑल अबाउट योर, यू कैन से, बॉडी मास इंडेक्स जो बोला जाता है, कहीं ना कहीं पे योर ब्लड प्रेशर, वट एवर बी इट इज़, यू विल बी फिट एंड फाइन। यहाँ पे जो शेप्स सबसे ज़्यादा मुझे नज़र में आ रहे हैं वो है एक पॉट और जिसे पानी दिया जाता है, वैसा वाला जग भी हो सकता है। सो यू विल बी फील्ड विद लॉट ऑफ इमोशंस, यू विल बी फीलिंग सो मच इमोशनल ड्यूरिंग दिस टाइम, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे इमोशनल होने का मतलब ये नहीं है कि गुस्सा हो जाएंगे, टेम्पर लूज कर देंगे, नो। क्लैरिटी आ जाएगा ताकि ना आप देख भी पाएंगे, विजुअलाइज भी कर लेंगे आप पहले से ही, ये ऐसा चीज़ होने वाला है आपके साथ, ये तो बहुत बढ़िया होगा। दैट योर इंट्यूशंस विल बी गिविंग यू अ स्ट्रांग सिग्नल एंड मैसेज। ओके, सम पीपल लाइक यू नो दे आर लाइक इन योर सर्कल या आउटसाइड योर सर्कल, वो आपको ना कोशिश करेंगे दबाने के लिए, जैसे आपकी जो वॉइस है राइट, उसको वो कैसे दबा सकते हैं, मतलब आप कुछ भी बोलो उनको अच्छा नहीं लगता है। सो हो सकता है कि वो ग्रुप में झुंड बना के, जैसा होता है ना, आपको अटैक करना चाहे, बट बेटर यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड, ऐसा भी आपका साथ हो सकता है, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, या आप उस चीज़ को अवॉइड कर दो कम्प्लीटली। आर यहाँ पे बार बार दिखाई दे रहा है, आर ए, ओके ओके, कोई ऐसा रास्ते पर आप जरूर चलने वाले हैं जैसे पहले कभी भी उस रास्ते पर कोई नहीं चल पाया आज तक। इट वॉज सो डिफिकल्ट, इट हैड बीन सो कॉम्प्लेक्स दैट मेनी पीपल डिड नॉट चूज दिस पाथ एंड यू विल चूज दैट पाथ, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अभी हम यहाँ से देख लेते हैं, आफ्टर द फुल मून फॉर मेनी ऑफ यू व्हाट इज गोइंग टू कम फॉर श्योर। सो आई होप आपको पूरी तरह से जानकारी हासिल हो जाएगा। यूनिवर्स विल गाइड, प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है आफ्टर द फुल मून ऑन 23rd अप्रैल 2024। सो वी डू हैव द हंगर, द वुल्फ मून यहाँ पे है, ब्लॉसमिंग, और मैंने आपको ब्लॉसमिंग एबंडेंस के बारे में ही बात किया था, और मैंने आपको ये भी कहा था कि वहाँ पे मुझे फूल दिख रहे थे, और वहाँ पे इस तरह आप देखेंगे, अगर देखते हैं यहाँ पे इसका जो ड्रेस का जो लोअर पोर्शन है, इट्स फिल्ड विद फ्लावर्स और विद फ्लावरी डिज़ाइन। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी अगर क्रिएटिविटी है, अगर आपके अंदर कुछ स्पेशल, ऑब्वियसली स्पेशलिटी आपके अंदर होता ही है, हर एक इंसान के अंदर उस स्पेशलिटी जो है वो आप सबके सामने पेश करेंगे। एंड डेफिनेटली आपके अंदर वो ड्राइव, जैसे बोला जाता है ना, वो एक जज्बाती होकर नहीं बट फुल पैशन के साथ आप चलेंगे। जैसे अगर ये फॉक्स ऊंचाई तक ऐसा बोल रहा है, वो मतलब ये कहना चाहता है, जताना चाहता है कि मेरा वॉइस जो है सुनो, मैं जो कहना चाहता हूँ कहना चाहती हूँ सुनो। सो योर वॉइसेस विल डेफिनेटली बी हर्ड, कोई दबाने के, जैसे मैंने आपको बताया था, कोशिश कर सकते हैं बट नहीं कर पाएंगे। एक्शन, सो ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव स्टेप आप लेंगे ताकि उस द्वार के जो, अगर वो द्वार जो है बंद है,
उसका जो चाबी वो आपको मिल ही जाएगा। पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ समय आपको ऐसा लगे कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, क्या वो सटीक है, क्या मैं सही निर्णय ले पा रही हूँ। सो आपको ना हो सकता है कि तुरंत एक्शन ना मिलकर थोड़ा सा लेट, बिकॉज जो होना होगा वो उसी समय पे होगा। और राइट, उसी तरह से आपको थोड़ा सा धीरज भी रखना है। यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे के लिए ओके, अपनी माँ जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसको सुरक्षित महसूस करवाते हैं। मॉम हैज सच एन एनर्जी, ओके, मॉम्स पावर इज ग्रेटर देन एनी अदर पावर इन दिस वर्ल्ड, व्हाट आई फील सो। अभी उसका उसको लेके हो सकता है बहुत बड़े आर्गुमेंट्स हो या डिबेट हो जाए, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है सुरक्षित तो बच्चा तभी महसूस होता है, और पावरफुल लीडर भी सामने चला है तो कुछ होगा नहीं। बच्चे को महफूज रखने के लिए हमेशा माँ की ही ज़रूरत पड़ेगा। सो आपको भी अपने बच्चे का, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपका बच्चा है, बट योर आइडिया इज़ लाइक योर बच्चा, योर आइडिया इज़ लाइक योर किड, दैट यू विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट। या आपके ऊपर भी जो डिवाइन अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी है, वो आपको हमेशा ही महफूज रखेंगे। एंड देखो, ब्लॉसमिंग एबंडेंस, फुलफिलमेंट, ठीक है, रेलिश, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड